हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब्स वाले भैया। और मैं शिवम ठाकुर। फ्रेंड्स, बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक, जिसका फ्रेंड्स लास्ट मंथ में ही, मतलब पिछले महीने को 27 या 28 को इसका डेट ओवर हो गया था, ख़त्म हो गया था। बहुत सारे लोग नहीं फिलअप कर पाए थे। रीज़न क्या था फ्रेंड्स कि इसका जो सर्वर है वो डाउन चल रहा था। और इवन अभी भी बहुत सारे लोगों का कॉल आया, मैसेज आया, फिर कमेंट आया कि जो फॉर्म फिलिंग में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप उसका इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। आप रात को जागिए 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा वहाँ पे कम आपको देखने को मिलेगा, अगर अभी भी सर्वर डाउन है या प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलअप करने में। तो अब चलिए फॉर्म के बारे में बताते हैं, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए। फ्रेंड्स, तो ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, GDS के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी वैकेंसी फ्रेंड्स निकली हुई है, पिछले महीने ही निकली थी और 27 को ख़त्म हो गई थी। और अभी आप 14 जुलाई तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, एक मौका है कि आप अपना लक आजमा सकें। अब किनका होगा किनका नहीं होगा वो भी थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोग अगर अप्लाई किए हैं या फिर करने जा रहे हैं तो आप लोग को पता चल पाए कि क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स बता दें कि यहाँ पे जो ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी निकला हुआ है, ये अभी फिलहाल बिहार और महाराष्ट्र के लिए निकला है। लगभग सीटों की बात कर लें तो 4368 यानी कि 4368 सीटों पर, पदों पर ये वैकेंसी अभी निकली हुई है। और इसमें अप्लाई कौन लोग करेंगे, जिन लोगों ने मतलब मैट्रिकुलेशन पढ़ा हुआ है बस। ठीक है, अब देखिए बिहार की बात करें तो यहाँ पे आपका 10th क्लास में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो अप्लाई शायद आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होगा, वहाँ के लोग अगर 10th क्लास में स्टडी किए होंगे तो वहाँ के लोग अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज को देखना चाहते हैं कि आपके यहाँ कौन सा लैंग्वेज डिमांड किया गया है 10th क्लास के अंदर, तो आप लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड करिए और देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब अप्लाई करने जाएंगे आप, तो सबसे पहले तो ये 10th क्लास पे है आपका, और यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो वो अभी भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपलोड करो, आपका जब ज्वाइनिंग होगा उस समय तक आपको दे सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जाति प्रमाण पत्र का जो इशू है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि नॉर्मल वाला जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया हुआ है कि अगर आप OBC के हैं तो आपको NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अब ये NCL क्या होता है थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, NCL सर्टिफिकेट का मतलब वो सर्टिफिकेट होता है, अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र है, वो 8 लाख से कम है, ठीक है, 8 लाख से कम है एक साल के अंदर, तो आप OBC का फ़ायदा उठा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में। बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन रहता है कि ये जो ग्रामीण डाक सेवक है, क्या ये सेंट्रल की वैकेंसी है या फिर बिहार स्टेट की है या फिर महाराष्ट्र की है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ जो इसका सैलरी है वो फिक्स्ड है। यहाँ पे जो 4 घंटे वाला शिफ्ट है वहाँ पे आपको 12,000 रुपये मिलेंगे और 5 घंटे वाले शिफ्ट में 14,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, आपको जिसमें जाति का इस्तेमाल करना है, वो अगर आप OBC हैं या फिर SC ST हैं, कोई भी हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट का एक अलग फॉर्मेट होता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करिएगा, टाइप करके PDF फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट में डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करें और जाके अपने ब्लॉक में उसको अप्लाई करके बनवा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप NCL बनवाने जा रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो आपके पास पहले से जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि उसके एप्लीकेशन के साथ वो डिमांड कर देते हैं कि हमें ये चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ होने वाला है, तो आपको पता है कि सारी जो वेरिफिकेशन होगी आपके फिजिकल नहीं होगी, मतलब आपको वहाँ पे बुला के नहीं किया जाएगा, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन होगा। आपने जो चीज़ अपलोड करी होगी, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो उनका रास्ता कुछ ज़्यादा क्लियर और साफ है। और गवर्नमेंट तो फ्रेंड्स अटकलें लगाएंगे ही, कैसे भी चाहेंगे कि आप देखते होंगे कि किसी न किसी प्रकार से हर किसी को फंसा दिया जाता है कि आपका ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और एक दिमाग में आपके अपने भी एक क्वेश्चन रहता है कि यार मेरे से मिस्टेक हो गया। खैर, जिनों से मिस्टेक हो गया है वो लोग अपना लोड ना लें दिमाग पे उतना, अब जो होगा सो देखा जाएगा। हो सकता है कि आपको बाद में एक मौका मिल जाए कि हाँ आप ला के दिखा दो। इसीलिए आप लोग अगर अभी भी नहीं बनवाए हैं अपना क्रीमी लेयर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से वाला SC ST का सर्टिफिकेट, जाति वाला, तो बनवा के रख लीजिए अगर आपका परसेंटेज अच्छा है। चलिए, अब परसेंटेज की बात आई है तो फ्रेंड्स आपको एक बार और क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जब फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं आप ग्रामीण डाक सेवक का, अभी 14 तारीख तक इसका डेट है, तो
कैसे होगा परसेंटेज बेस, किन का होगा? बहुत लोग कहते हैं यहाँ पे यार कि जिसका 99% है, 95% से ऊपर है, केवल उन्हीं का होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा एक बार, मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन अभी फॉर्म का डेट पड़ा है, तो इसको आप समझने का कोशिश करिएगा कि आप लोग अप्लाई जिनको भी मन है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बस यहाँ पर कुल मिला जुला कर बात ये है कि आपने जिस पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि आप जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हैं और कौन से कैटेगरी की सीट पे अप्लाई करना चाहते हैं, और आप जिस कैटेगरी के हैं आपको उसी सीट पे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? दूसरे कैटेगरी पे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक और टेंशन आपके दिमाग मथे पे आ जाएगा कि कहीं वहाँ पे आप डिमांड कर दें, जैसे कि आप ओबीसी के हैं और आप जनरल पे अप्लाई करें, करने को तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नल मिरर नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आप पाँचों की पाँच जो सीट सेलेक्ट करेंगे आप एज अ जनरल कैंडिडेट बन के सिलेक्ट करिए, ठीक है? अब कोई लोग कह रहे थे कि मैं एक जनरल कर लूँ सिलेक्ट, एक ओबीसी कर लूँ, शायद ऐसा ऑप्शन भी नहीं होगा करने का, लेकिन ऐसा करना भी नहीं है। आप जिस कैटेगरी में हैं कोशिश करें आप उसी कैटेगरी की सीट पे अप्लाई करें, ठीक है? तो ज़्यादा बेटर होगा किसी भी हाल में। अगर आप अप्लाई कर देते हैं जैसे कि मैंने बताया, और आपने जिस पोस्ट ऑफिस में अप्लाई किया है, अगर उस पोस्ट ऑफिस के अंदर दूसरे जितने भी व्यक्ति ने, जितने लोगों ने अप्लाई किया, हो सकता है 1% का चांस मान के चलिए कि उनका परसेंटेज आपसे कम है, तो कभी भी आप ही का सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे मायने रखती है। ये मायने नहीं रखता है कि इसका कट ऑफ है तो 90% पे जाएगा, 95% पे जाएगा। पोस्ट ऑफिस वाइज कट ऑफ बनाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? आपने जहाँ पे अप्लाई किया है, क्या वहाँ पे लोग ऐसे कितने कैंडिडेट्स थे जो आपसे ज़्यादा वालों ने अप्लाई किया या फिर नहीं किया, या फिर 60% वाले ही नहीं किया, तो ये फुल्ली डिपेंड करता है। यानी कि फुल टू एक प्रकार का गेम है, आप खेलो इसको और अप्लाई करो। कोई खास फ़ी नहीं लग रही है, जनरल ओबीसी की 100 रुपया, एस सी एस टी फीमेल के लिए तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा, तो अप्लाई जरूर करें फ्रेंड्स। यही छोटा सा अपडेट देना था आपको आज के वीडियो के माध्यम से। बहुत लोगों को भाषण लग रहा होगा तो उनके लिए नहीं है, जो लोग समझना चाहते हैं फ्रेंड्स बने रहें। और अगर हमारी वीडियो जो आपको अच्छी लगती होगी तो लाइक करके मोटिवेट कर दीजिएगा। पहली बार है हमारे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका प्यार बना रहेगा तो फ्रेंड्स हम बहुत सारी आपकी हेल्प करेंगे। और आप बस ऐसे ही हमें देखते रहिए, इंतज़ार करिए फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।